पास, एक का मैंने DIY करके एक ये पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग को मैंने कैसे बनाई है ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। पहले ये ऐसा ही था, इसके ऊपर मैंने क्या है कि कलर किया है, अभी एक सिंगल कोट है, और जो जैसो आता है ना मार्केट के अंदर वो वाला किया है, इसको मैंने घर पर ही बनाया है वॉल पुट्टी से। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो बहुत इजीली ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ती है या बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत में कम पैसे में हम चीज़ों को बना लें वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक कपड़ा लगा होता है और उसके ऊपर एक वाइट कलर की एक लेयर होती है जैसो की, बस सिंपल कैनवास। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ये बोर्ड नहीं है ना तो इसे घर पे भी बना सकते हैं बुकरम लेके। इस पे आप बुकरम लगा दें तो आपको यही तैयार हो जाएगा, जो है कि कैनवास बोर्ड तैयार हो जाएगा। अगर आप नया कैनवास खरीदना चाहते हैं ना तो आपको ये स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा। इसके अलग अलग आपको साइज मिल जाएंगे। मेरे पास ये पुराना रखा हुआ था जिससे कि मैंने एक पेंटिंग की हुई थी, और उस पेंटिंग से ना अब दिल भर गया था, तो अब मैंने क्या किया उस पर ना जैसो की एक लेयर लगा दी। जैसो मैंने खुद ही घर पे बनाया है। वॉल पुट्टी लेकर उसमें आप फेविकॉल मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डाल के उसे एक पतला सा घोल बना लें लाइक पेंट की तरह से, और उसको फिर आप ब्रश की सहायता से इसके ऊपर लगा दें। और जब ये अच्छे से सूख गया ना, उसके बाद मैंने क्या किया, एक पेंसिल की सहायता से कोई भी एक जो पैटर्न मुझे बनाना था वो मैंने बना लिया। अगर आपसे डायरेक्ट पेंसिल से ड्राइंग नहीं होती है तो आप उसको ना प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सिंपल सा पैटर्न बना लिया है, और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको पास से आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी चीज़ ड्राइंग करना चाहते हैं वो ड्राइंग कर ले। तो ये देखिए मैंने जो है कि तैयार कर लिया है। तो ये दो काम कंप्लीट हो गए। अब मैं तैयार कर रही हूँ एक वॉल पुट्टी से पेस्ट। ऐसा पेस्ट हमको बनाना है जैसे हम मेहंदी का बनाते हैं ना, मेहंदी का जो कोन होता है उसमें जो मेहंदी आती है उस तरीका से हमको बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो ये वॉल पुट्टी है ना इसमें छोटी छोटी गांठ पड़ी हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको छान लेंगे। छानने से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे एक पाउडर टाइप में बन जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, एक भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए, मोटी किसी भी चीज़ की गांठ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मैंने छान लिया है, 4 से 5 चम्मच मैंने ये ले ली है, और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा एक पाउडर टाइप जो है कि वॉल पुट्टी तैयार हो गई है। अब इसका हम बनाएंगे पेस्ट। तो इसके लिए देखिए कोई भी बर्तन आप ले लें अच्छा सा, और उसमें आप डाल दें जितनी भी आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग अपनी वॉल पुट्टी डाल दें। तो यहाँ मैं हमने डाल दी है, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच के करीब फेविकॉल। आप फेविकॉल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर डालें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी। फेविकॉल डालने से ये होगा कि जब आप इसकी कुछ ड्राइंग करेंगे ना तो ये निकल के गिरेगी नहीं, यानी झड़ेगी नहीं। और अब देखिए फेविकॉल मैंने डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा पानी डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। इससे क्या होगा ना, गांठें नहीं पड़ेंगी, और दूसरा आपको पता भी रहेगा कि आपको इसको किस कंसिस्टेंसी तक इसको रखनी है। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला और इसको कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में हम इसको घुमाते जाएंगे। ये देखिए आप पेस्ट टाइप तैयार हो गया है। मैं आपको फिर से बता दूं, हमको ये जो पेस्ट है ना ऐसा तैयार करना है जैसे मेहंदी का जो कोन होता है ना उस तरीके का, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ना उस टाइप का। तो ये देखिए अच्छे से तैयार हो चुका है, और अब ये बन के रेडी है। इसको हम कोन में फिल करेंगे, लेकिन कोन हम घर पर ही बनाएंगे। अगर आपके पास कोन रखे हुए हैं तो आप उसमें डाल लें और फटाफट अपना काम स्टार्ट कर दें। तो मुझे यहाँ बनानी है एक कुप्पी, यानी एक कोन बनाना है, जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं ना उस तरीके से बनानी है। तो उसके लिए लिया है मैंने जो है कि ये नमक की थैली, इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आप दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। एक आप स्क्वायर पीस ले लें, और उसके बाद उसको ना हम कोन की तरह से मोड़ देंगे, और बहुत ही इजीली ये बन जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने कि दो कोन बनाए थे दो पॉलिथीन से। तो इसको देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप एक कॉर्नर ले लें और उसको बस अपने हाथों से कोने से आप ऐसे फोल्ड करते जाएं, और ये कुप्पी तैयार हो जाएगी। जैसे ही आपको ये कोन बनाना है उसके तुरंत बाद ही आप सेलो टेप लगा लें, और हमको ना आगे कोई भी एक मतलब छेद नहीं रखना है, उसको हम बाद में कट करेंगे। फिलहाल कोई भी हमने होल नहीं रखा है, और तुरंत आप इसके ऊपर आप सेलो टेप लगा दें और अच्छे से उसको फिट कर दें, ताकि जब भी आप इसमें पेस्ट वगैरह डालें ना तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा,
क्योंकि जितना आपका नीट और क्लीन कुप्पी बनेगी ना, उसी तरीके से आपसे काम भी होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कोन बनाते वक्त बिल्कुल भी आपकी कहीं से भी कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से सिक्योर कर दूंगी इससे, सेलो टेप से। जब कभी भी आप कोई काम करते हैं ना, तो उस काम में आपको ना रुचि लेनी चाहिए, यानी इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी वो काम आपका ना बहुत परफेक्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि बेमन से आप काम करें और फिर वो काम आपसे अच्छा भी ना हो। तो जब काम आप करने बैठें तो पहले अपने माइंड को सेट कर लें कि आपको ये चीज़ें चाहिए और इस चीज़ को मुझे बनाना है। तो यहाँ देखिए, जो पेस्ट है जो मैंने बना के रखा हुआ था, इसको मैं अब कुप्पी में धीरे धीरे करके डाल दूंगी। ये काफ़ी फ्लोई है ना, इसलिए आराम से ये डल जाता है, लेकिन इसको हम ऊपर तक नहीं भरेंगे। अगर आप ऊपर तक भर देंगे ना, तो जब आप कुप्पी चलाएंगे तो हो सकता है ऊपर से वो जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाए। तो इसलिए हमें ऊपर तक थोड़ा सा खाली रखना है, और उसके बाद ना ऐसे फोल्ड करके और सेलो टेप से हम अच्छे से इसको सिक्योर कर देंगे, ताकि वहाँ से कोई भी जो है कि पेस्ट बाहर ना निकले। तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। ये काम हम पहले भी करके रख सकते हैं। जब भी आपको कोई पेंटिंग बनानी हो ना, वॉल पुट्टी वाली जो भी DIY आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं, अगर आपकी ये कुप्पी रेडी है तो। तो देखिए, ये होल जो है ना, इसको हम छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसी भी हमको करनी होगी। तो इतना हमें पेस्ट लिक्विड होना चाहिए, जैसे मेहंदी का पेस्ट निकलता है ना, उसके जैसे। और अब हम करेंगे अपना काम जो कि मेन पार्ट है। इसे करने के लिए देखिए, जो हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था ना, उसके ऊपर हम इसको कुप्पी है ना, इसको हम अच्छे से धीरे धीरे चलाते जाएंगे और इसके ऊपर ही हम एक लेयर लगाते जाएंगे। तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा मैंने क्या है कि जो इसका होल है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया था। और अगर आपको लगता है कि मेरा जो है कि हाथ नहीं बैठ रहा, तो आप एक पेपर के ऊपर है ना, थोड़ा सा अपना हाथ को सेट कर लें। जैसे आपका हाथ सेट होगा ना, उसके बाद आप अपने मेन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही इजीली निकल सकता है, क्योंकि जो हमारा पेस्ट है वो काफ़ी फ्लोई है और इसके अंदर कोई भी गांठे वगैरह नहीं है, इसीलिए मैंने जो वॉल पुट्टी है उसको अच्छे से छान लिया था। तो आप देख सकते हैं, जितना आपको मोटा पतला जैसे भी रखना है, आप उसी के अनुसार इसको रखते हुए और जो लाइन हमने पहले से ड्रॉ कर रखी थी उसके ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे। तो ये बहुत ही इजीली बन जाती है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक दो बार इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने लगेगा। और ये है ना, मेरे को तो जीरो कॉस्ट में ही पड़ी है, मुझे कोई खर्चा नहीं पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आपको कोई चीज़ बाहर से लानी भी है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी कोई चीज़ है, बहुत ही सस्ते में पड़ जाती है। और जब ये बनके तैयार हो जाएगी ना, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि इसको हमने जीरो कॉस्ट में बनाया है, या फिर इसका जो बजट है वो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो जब आप मार्केट से ऐसी चीज़ें लेके आते हैं ना, तो वो कम से कम 200, 250 और 300 से ऊपर ही आपको मिलेगी, उससे नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही इजी पेंटिंग है, आपको सिंपल लाइंस बनानी है और कोई चीज़ नहीं बनानी है। तो ये देखिए, जो आउटलाइन मैंने पहले बनाई थी ना स्टार्टिंग में, उसको एक बार मैं डबल लाइन बनाऊंगी, ताकि ना वहाँ से वो उभरा हुआ नज़र आए। जब ये अच्छे से सूख जाएगी, उसके बाद हम करेंगे कलर। कलर यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी। बाहर का जो एरिया है उसको, यानी जो बेस एरिया है ना, जहाँ पर हमें ड्रॉ नहीं किया है, पुट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, वहाँ पर मैं ग्रे कलर का इस्तेमाल करूँगी। ग्रे कलर के लिए देखिए, मैंने ना वाइट कलर ज़्यादा लिया है और एक पिंच, मतलब थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर ऐड किया है। तो जितना आप ब्लैक कलर ऐड करते जाएंगे, आपके जो कलर हैं वो शेड भी चेंज होते जाएंगे। तो मुझे ग्रे के अंदर बिल्कुल लाइट शेड चाहिए था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बस ब्लैक डाला है और वाइट पोर्शन ज़्यादा लिया था। और जो ये पेटल्स है ना, इसको अब मैं जो है कि गोल्डन कलर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास पाउडर वाला गोल्डन कलर रखा हुआ था, आपके पास लिक्विड वाला कलर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो मेटेलिक कलर के जो शेड्स हैं वो मिल जाएंगे। मेरे पास ये रखी हुई थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही ईजीली होता है ये बनाना,
जैसे पाउडर लिया आपने, मतलब ये जो गोल्डन पाउडर है ना, ये जो डस्ट होती है, इसको लेंगे और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा वाइट कलर और थोड़ा सा पानी मिक्स करते हुए अब इसको हम घोल बना लेंगे और जितने भी हमारे पेटल्स हैं इनको हम अच्छे से भर देंगे। गोल्डन और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही क्लासी और रॉयल लगता है, इसलिए मैंने ये दो कलर चूज़ किए हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन दबाकर कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। तो चलिए, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।